गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ विंटर फेशियल। एक्चुअली विंटर्स हैं, सन तो सबको पसंद है, तो सन टैन भी आएगी। एंड खुद मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया था कि मैं खुद मिरर नहीं देखना चाहती थी। तो आज फाइनली आई हैव डन द फेशियल एंड आई विल श्योरली शेयर विथ यू ऑल। तो अभी जस्ट मैं करके आई ही हूँ एंड यू कैन सी कि चेहरा बिल्कुल क्लीन है, कुछ मैंने यूज़ नहीं किया है। जस्ट मेरा स्प्रे मिस्ट जो विंटर स्पेशल है वो भी मैं शेयर करूँगी रेसिपी, एंड द मॉइस्चराइज़र, या तो मॉइस्चराइज़र लगा लो या सनस्क्रीन लगा लो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट्स मैंने वो यूज़ किए हैं जो डी टैन वाले हैं। तो ये जो मेरा फेशियल है ना, दैट इज़ डी टैन फेशियल। अब एक दिन में टैन तो देखो जाएगा नहीं, मेरा टैन जाते जाते मुझे अप्रैल लग जाता है क्योंकि मैं खूब बहुत ज़्यादा धूप में बैठती हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिनजिंग, जिसके लिए लिया है मैंने रॉ मिल्क, चिल्ड रॉ मिल्क। नाउ आई एम गोइंग टू स्क्वीज लेमन। एंड इसको मैं करूँगी अब अच्छे से मिक्स एंड देन आई विल क्लीन माई फेस। लेमन हैज़ नेचुरल क्लिनजिंग एंड ब्लीचिंग इफेक्ट दैट एक्सफोलिएट्स द डेड एंड डैमेज स्किन सेल। अच्छा, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड जो ब्रेक डाउन करता है डेड सेल्स को ऑन द स्किन, ठीक है। वो डेड सेल्स जो हमें टैनिंग की वजह से हुए हैं, ठीक है। एंड जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो यू गेट वेरी ग्लोइंग स्किन बिहाइंड, दस इट हेल्प्स इन द स्किन वाइटनिंग। दैट्स वाई आई हैव यूज्ड लेमन इन डी टैन फेशियल। अच्छा, विथ पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, लेमन इज़ अ पावर हाउस ऑफ विटामिन सी विच इज़ पॉपुलर फॉर क्लियर स्किन एंड एंटी एजिंग इफेक्ट। The antimicrobial, detanning and cleansing properties of lemon helps in making your skin spotless and beautiful. Now wipe it. Now see, देखो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है फेस को। Now again the face mist. ये फेस मिस्ट मैं विंटर वाला शेयर करूँगी। ये विंटर वाला ना थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेप इज द स्क्रबिंग। एंड स्क्रबिंग के लिए मैंने लिया है कॉफी, ऑलिव ऑयल and sugar. Now see, for the scrubbing I have taken 1 spoonful of sugar and 1 spoonful of ले लेना coffee powder and then 1/2 spoon of olive oil. इन तीनों को अच्छे से mix करना है, then our scrub is ready. थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ूंगी so that थोड़ा सा ये mild हो जाए, mix हो जाए आपस में, and then I will scrub my face. वेरी जेंटली स्क्रब करो आप, 1 से 2 मिनट्स ओनली। एक्सफोलिएशन प्ले अ की रोल इन स्किन केयर। रेगुलर एक्सफोलिएशन ऑल्सो अलाउ फॉर बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द सेरम्स मॉइस्चराइजर्स सो दैट दे वर्क मोर इफेक्टिवली मोर इफिशियंटली। एक्सफोलिएशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ द डेड सेल्स, क्लीनिंग योर पोर्स and reduces the appearance of acne, fine lines and wrinkles. See, मैंने अपना स्क्रब अच्छे से धो लिया है ना, चूंकि विंटर्स है तो आई एम गोइंग टू टेक स्टीम। तो या तो आप टॉवल से ले लो, 3 times करना पड़ेगा अगर आप टॉवल से करते हो तो, या फिर आप स्टीमर से ले लो क्योंकि कोरोना टाइम है तो ऑलमोस्ट सभी के पास स्टीमर तो है ही है। तो या तो आप उससे ले लो या फिर थ्राइस
एटलीस्ट होल्ड फॉर 30 सेकेंड, ठीक है। विंटर है तो आपको स्टीम लेना वैसे बहुत अच्छा लगेगा। नाउ आई एम डन। नाउ द थर्ड स्टेप, द थर्ड स्टेप हमारा है मसाज, वो मैं छोड़ती नहीं हूँ बिकॉज मैं बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ, तो एटलीस्ट मंथ में एक बार भी तो सही से मसाज हो जाए। फॉर दैट आई हैव टेकन पपाया जेल, ठीक है। और पपाया जेल मैं मोस्टली सबको ही बोलती हूँ कि भाई पपाया जेल जो है एक एज होने के बाद ना दिस वर्क्स ऑसम एंड स्मेल भी अच्छी होती है, ठीक है। अनदर इन्ग्रीडियंट फॉर मसाज इज़ माई एलोवेरा जेल फॉर अ चेंज। दिस टाइम आई हैव टेकन सौंदर्या का केसर चंदन, क्योंकि विंटर्स में ना स्किन चंदन जो है टैन के लिए, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड ये हमारा पूरा जो फेसियल है वो बेस्ड है ऑन डी टैनिंग फेशियल, तो इसके लिए ही मैंने लिया है केसर चंदन। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल एलोवेरा भी ले सकते हो, एंड पपाया जेल नहीं है तो आप इसके साथ कर्ड ले लो, बट आई एम गोइंग टू डू एब्सोल्युटली द जेल मसाज। तो मैं जेल मसाज ही करने वाली हूँ। टू इन्ग्रीडियंट्स हो गए हमारे। थर्ड इज़ अगेन विटामिन ई, माई फेवरेट, इसलिए भी क्योंकि विंटर्स हैं एंड ड्राइनेस इज़ देयर, तो बेस्ट होगा हमारे स्किन के लिए। हालांकि आप देख ही सकते हो कि मैंने स्क्रबिंग की है एंड माई फेस स्क्रब के बाद भी बहुत सही लग रहा है। एंड स्टीम आई मोस्टली अवॉइड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्वेटिंग स्किन एंड ऑयली स्किन, तो समर्स में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज दिस इज़ विंटर, तो दैट्स वाई मैंने स्टीम लिया है। नाउ सी, वन स्पून फुल ऑफ केसर चंदन, हाफ स्पून फुल ऑफ पपाया जेल, एंड आई विल ऐड वन विटामिन ई की कैप्सूल, ठीक है। एंड इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा ठीक है, देस पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लेना एंड देन ऐड द विटामिन ई की कैप्सूल। मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा सा ये आपको फेशियल मसाज क्रीम, क्रीम नहीं सॉरी, जेल बनने वाला है। नाउ सी, देखो मेरा मसाज जेल इज रेडी, बिल्कुल जैसा पार्लर वाला जेल आप कराते हो ना, बिल्कुल वैसा ही जेल ही बन के तैयार होता है। एंड खुशबू बड़ी अच्छी होती है, तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू है इसकी। अच्छा, नाउ व्हाई वी शुड मसाज आवर स्किन एट होम, पहला पॉइंट है, एंड मैं इट मेक्स योर स्किन सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू 15 मिनट्स की मसाज बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू डू इट। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स यू अ हेल्दी ग्लो। थर्ड पॉइंट, हेल्प्स टू बूस्ट द कोलेजन। फोर्थ, प्रमोट्स रिलैक्सेशन। फिफ्थ, naturally gives you a face lift, reduces your steam लिया हुआ है ना, तो ये जो क्रीम भी है ना बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट होने वाली है अंदर। इट ऑल्सो रिड्यूसेज योर आई बैग्स। अच्छा, फेशियल मसाज हेल्प्स प्रमोट हेल्दी स्किन वाइल रिलैक्सिंग योर फेशियल मसल्स। इट हैज अ रिलैक्सिंग एंड रिजुविनेटिंग इफेक्ट which helps to look you and feel you much full better. stretch milna chahiye aapke skin ko. Now the bottom line mein bas yahi kahungi ki facial massage is a wonderful way to give yourself some healing rejuvenating time. Enjoy the process of discovering your new skin after each facial massage. Now there are some few simple steps, like use your palms and fingertips to massage the sides of your face, starting at your chin, moving up towards your forehead, then slide your hands back down. तो इस तरीके से कुछ steps हैं जो आपको करने से बहुत ही अच्छा मसाज मिलता है, like press your jaw as you move your fingers from the outside of your jaw towards the chin. ठीक है,
अच्छा, यूज अ सर्कुलर मोशन टू मसाज द एरिया अंडर योर ईयर लोब्स. अच्छा, आईज के अराउंड करो, बस वहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम अप्लाई करना होता है, इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि हम कौन से फिंगर से उसको मसाज कर रहे हैं. तो आईज, फिर ईयर लोब्स के पीछे, तो इन सब जगह ना ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं. अच्छा, नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू टोन योर फेस अगेन यू नीड अ फेशियल मसाज. एजिंग कैन इवेंचुअली मेक योर फेस अपीयर सैगी एज यू लूज द टाइटनेस ऑफ योर स्किन. व्हेन फेशियल मसल्स आर नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड दे लूज फेमनेस. फेस मसाज हेल्प्स बूस्ट योर फेशियल मसल्स. इट गिव्स यू जस्ट अ फर्म जॉ मसल्स. इट एनहांस योर फेस टोन एंड शेप. तो फेस टोन एंड शेप को मेंटेन रखने के लिए भी आपको मसाज करना बहुत ज़रूरी है. एंड ये पिंचिंग टैपिंग की जो भी प्रोसेस है ना, ये आपके पफनेस को भी रिड्यूस करती है. ठीक है, 15 मिनट्स आप इसको करो, 10+5 एंड 15 मिनट्स के बाद. 10 मिनट्स भी कर सकते हो इफ यू डोंट हैव टाइम, बट ट्राई टू डू इट फॉर 15 मिनट्स एट लीस्ट. सो दैट अगर आप लॉन्ग टाइम के बाद कर रहे हो ना, तो अच्छे से रिजोनेट हो जाए, अच्छे से सारे स्किन में वो पेनिट्रेट हो जाए. ठीक है, देन वाइप इट ऑफ. नाउ सी द मसाज इज डन एंड यू कैन सी कि चेहरा मेरा बहुत अच्छा हो गया. इन से मेरा चेहरा इतना डल हो गया था कि मैं अपना चेहरा ही नहीं देखना चाहती. एक तो रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा विंटर में धूप में बैठती हूँ, दूसरा बिजी होने की वजह से स्किन केयर कुछ नहीं हो रहा था, एंड तीसरा रीज़न तो बस यही है कि स्ट्रेस अगर है तो आपके चेहरे पर तो दिखेगा. ठीक है, तो ये जो फेशियल है ना, मेरे लिए तो डी स्ट्रेस फेशियल भी है. डी टैन डी स्ट्रेस. ठीक है, ना द फोर्थ स्टेप इज़ द पैक, जिसके लिए लिया है मैंने ऑरेंज पील पाउडर. ठीक है, फॉर द फोर्थ पैक स्टेप आई हैव टेकन ऑरेंज पील पाउडर, बिकॉज ये डी टैन है जिसमें ऑरेंज बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. एंड सैंडलवुड, यानी कि डी टैनिंग में सैंडलवुड क्या करेगा, स्किन को बहुत सूद करेगा मेरा. ठीक है, एंड इनको हम मिक्स करेंगे ठंडी ठंडी दही से. ठीक है, तो दही भी बहुत अच्छा टैन उतारने में हमारा हेल्प करता है. तो आई हैव टेकन 1 स्पून फुल ऑफ कर्ट एंड 1/2 स्पून ऑफ सैंडलवुड, बहुत है मेरे लिए. एंड 1/2 स्पून ऑफ ऑरेंज पील पाउडर. अभी विंटर्स में आप ऑरेंज खाते ही होंगे, तो आप उसको अच्छे से सुखा लो शेडी एरिया में, थोड़ा जहाँ धूप आती हो पर सीत ना गिरता हो, वहाँ डाल करके आप रख दो, छोड़ दो 10 दिन, तो अपने आप ही वो ऐसे सूख जाते हैं, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, नाउ मिक्स इट. बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें मिल जाएं. अच्छा, डी टैन के लिए ना मैं आपको एक स्प्रे मिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ कि जिससे जो डेली का टैन है ना वो रिमूव होता रहेगा. बहुत बहुत ही आराम मिलेगा उससे आपको टैनिंग में. अब विंटर्स में धूप में बैठना तो देखो छोड़ नहीं सकते हम, खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती. बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सन बहुत पसंद करते हैं विंटर्स में धूप में बैठना, तो उनके लिए स्किन केयर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है विंटर्स में. ठीक है, इसको अच्छे से लगा लो. नाउ 20 मिनट्स तक इसको रहने दो, क्योंकि विंटर्स हैं तो जल्दी सूखेंगे नहीं है, तो 20 मिनट्स तक आप अपने इसको फेस पे रहने दो. एंड देन वॉश विथ प्लेन वाटर, नॉर्मल वाटर. दिस इज़ विंटर सीज़न एंड विंटर सीज़न में जल्दी ड्राई नहीं होता हमारा पैक. एंड जब इसको धोगे ना आप, तो प्लीज़ प्लेन वाटर रखना, बहुत ही गर्म पानी मत रखना. ठीक है, कि एक्सेस गर्म पानी से नहीं धोना है हमें, बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर हो तो चलेगा, चिल्ड वाटर से कर सकते हो तो बेस्ट है, स्किन थोड़ी बहुत अच्छी रिफ्रेश हो जाएगी आपकी.
ठीक है, देन वॉश के बाद मिलती हूँ। उसी मैंने अपने चेहरे को अच्छे से धो लिया है एंड कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ओनली द स्प्रे मिस्ट जो स्पेशली मेरा दिस टाइम विंटर वाला है एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम आफ्टर दैट एंड नथिंग एल्स। तो मेरा फेस देखो पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, लेकिन हाँ ठीक है, चूँकि ये डी टैन फेशियल है ना, तो डी टैन फेशियल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब चूँकि आपने डी टैनिंग फेशियल की है तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर स्किन बाय अप्लाइंग, कि जब भी आप सन की तरफ बैठते हो ना तो प्लीज़ एक सनस्क्रीन आप लगा लो अपने चेहरे पर। तो आप भी करके देखो, बड़ा ही मज़ा आने वाला है ये फेशियल में एंड स्किन जो भी टोन होगा ना उससे दो टोन साफ होने वाली है। ठीक है, तो सन के मज़े लो बट कीप केयरिंग। थैंक यू।